जी बिल्कुल मुल्क भर के मुख्तु जो शहरों में गुज्तर रोज़ जो बारिश हुई थी उसके बाद जो मौसम है वो खासा सर्द हो गया है एक दफ़ा फिर से जो सर्दी की शिदत है उसमें इजाफा देखा जा रहा है ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जो बारिश का सिलसिला है आज भी जो मुख्त शहर हैं उनमें जारी है इसके साथ साथ जो पंजाब के जो मैदानी इलाक़े हैं वहाँ इस वक्त जो है शदीद धुंद का राज है शदीद धुंध की लपेट में है ख़ासतौर पर जो बात की जाए धुंध के बाइस जो मामलाते ज़िंदगी है वो भी ख़ासे मुतासर होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि मोटर है एम फोर एम थ्री और एम फाइव हैं उन्हें मुख्तलिफ मकाम पर मोटरवे पुलिस की जानब से जो है शदीद धुन के बास जो है बंद कर दिया गया है इस वक्त मुल्तान में जो हदे निकाह है वो भी सिफर हो गई है मजमूरी तौर पर अगर बात की जाए एम फोर मुल्तान से पिंडी भटिया तक जो है वो मोटरवे इंतज़ामिया की जानब से बंद कर दिया गया है इसके साथ साथ एम फाइव जो मुल्तान से रिर पीर तक है वो भी बंद कर दिया गया है इसके साथ साथ महकमा याद की जानब से भी ये भी पेशन गगोई की गई है कि आइंदा तीन रोज़ तक जो है मुल्त ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर यह धुंध और बारिश का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो बर्फ़बारी के हवाले से मुल्क के जो सर्द इलाके हैं जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हुआ करती है जिनमें मरी गलियात और जो उसके गिरदोनमा हैं वहाँ पर भी रात गए जो है बारिश हुई है जिसके बायस जो सर्दी की शिदत है उसमें खासा इजाफ़ा हो गया है इसके साथ साथ जो महकमा याद की जानव से, से जो है चित्राल दीर सवात और कोहिस्तान मानसेरा ऐफाबाद में भी जो है बारिशों की बारिश के साथ साथ जो है बर्फ़बारी की जो है पेशन गोई की गई है इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि पिशावर मरदान चारसदा नौसैरा और सवाबी जो है वहाँ पर जो है बारिश हो सकती है इसके साथ साथ जो धुन के बाद जो ख़ास तौर पर जो ट्रेन ऑपरेशन है वो भी खासा मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है तमाम जो ट्रेनें हैं वो घंटों तखिर का शिकार हो रही हैं फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर होता जा रहा है और खास तौर पर जो मोटर पुलिस के साथ साथ जो है हाईवे पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी एक धुंद के बायस एक एडवाइजरी जारी की गई है शहरीों को कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इस वक्त जो है परहेज़ करें क्योंकि जो मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं वो इस वक्त शदी धुंध की लपेट में है जिसके बायस जो हादसा हैं उनकी शरह में भी हमने ये देखा है इजाफा हो गया है इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आज जो है मुल्तान का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो आठ डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है महकमा मौसमियात ने यह भी पेशन गोई की है कि आइंदा तीन रोज़ के दौरान जो खास तौर पर जो एक पी डी एम ए की जानब से जो एक एडवाइज़री जारी की गई थी कि मुल्क के जो मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर बारिश भी हो सकती है और जो बर्फ़बारी के हवाले से भी एक अलर्ट जारी किया गया था कि मुख्तु मकाम पर जो बर्फ़बारी है वो भी शदीद हो सकती है उसी के मुताबिक मुल्तान में जो है ये पोशन गोई की गई है मुल्तान समेत जुनू पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आइंदा तीन रोज़ में बारिशों का जो ये इम्कान है ये सिलसिला है ये इसी तरह से जारी रहेगा जी